हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। DSSSB में NTT यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की जो रिक्रूटमेंट आई है, जो वैकेंसी आई है, उसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, बुक, एलिजिबिलिटी, प्रीवियस ईयर पेपर, हर चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंसाइट देना चाहता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। ये देखिए, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी की गई है, यहाँ से आप जो है देख पाओगे। देखिए, ये जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी वाली पोस्ट है, इसी के बारे में सिर्फ हम लोग बात करेंगे। यहाँ से देखिए, पोस्ट कोड जो है 817/23 है, यानी कि 817/23। देखिए, असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। म्यूनसिपल MCD से ये रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा। ग्रेड पे 4200 है और जनरल के लिए 512 सीटें हैं, OBC के लिए 341 सीटें हैं, SC के लिए 188 सीटें हैं और ST के लिए 94 और EWS के लिए 126। तो टोटल 1261 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा असिस्टेंट नर्सरी टीचर के लिए। अब बात करते हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए जो DOE है, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, वहां से जो है 81 पोस्ट जनरल के लिए, 10 पोस्ट OBC के लिए, SC के लिए कोई पोस्ट नहीं, ST के लिए 14, EWS के लिए 15 और टोटल वैकेंसी 120 आई हुई है। इसी तरह से देखिए, नर्सरी टीचर फिर से है और ये जो है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ये रिक्रूटमेंट है। अलग अलग देखिए, सभी अलग अलग बॉडी है। यहाँ से देखिए 21 पोस्ट है, 26 पोस्ट OBC के लिए, 10 पोस्ट ST के लिए, ST कैटेगरी वाले के लिए 7, EWS के लिए 10, टोटल 74। तो 1455 यानी कि 1455 जो है वैकेंसी निकली हुई है। ऑनलाइन कहाँ से करोगे, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने अपना वेबसाइट बता रखा है, https://dssbonline.nic.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकती हो। ये इनका इंफॉर्मेशन रहा। अब बात करते हैं सबसे पहले कि अप्लाई कब तक कर सकते हो। तो देखिए, 7 फरवरी तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो, 9 जून से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। तो 12 बजे से पहले आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। अभी तक इसकी डिटेल्स एडवर्टीजमेंट नहीं आई है, लेकिन अगर मैं पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखूं तो देखिए, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में पहले फॉर्म कौन भर सकता है वो जान लीजिए। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में फॉर्म जो है अलग अलग लोग भर सकते हैं। देखिए, ETT कुछ एक कोर्स होता है वो भी, NTT एक कोर्स होता है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और BEd वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते BEd आपने जो है नर्सरी से कर रखी हो। आपने जो है नर्सरी से कर रखी हो तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। सिंपल वाला जो BEd है वो काम जो है नहीं आएगा यहाँ पे। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना आपके लिए ज़रूरी था। अब मैं आपको सीधे एग्जाम पैटर्न के बारे में लेकर चलेंगे कि क्या क्या पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बुक कौन सा पढ़ें और सिलेबस को जो है हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सीधे मैं आपको वेबसाइट की ओर लेकर चलता हूँ। सबसे पहले आप सिलेबस देख लो, सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। टोटल 200 का एग्जाम आपसे जो है लिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहेगी, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। और 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट में, यानी कि हर एक मिनट के लिए देखिए क्या समय मिलेगा वो आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो, 200 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपको ये समय दिया हुआ है, ये इतना आपको मार्क्स दिखेगा, यानी कि आपको एक मिनट में जो है एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले देखिए, TM यानी कि जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो 100 नंबर का आपका रहेगा, सब्जेक्ट कंसर्निंग भी इसे कहा जाता है। अब जो नॉर्मल क्वेश्चन पेपर है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन, अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाएगा 20 नंबर का, जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स यहां से आपसे पूछ लिया जाएगा, GK भी पूछा जाएगा 20 नंबर का, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज 20-20 नंबर आपको यहां से पूछा जाएगा। तो 100 नंबर इधर के बन जाते हैं और 100 नंबर जो है आपका टीचिंग मेथडोलॉजी से पूछा जाएगा। अब जो है डिटेल्स में हम लोग सिलेबस को अगर देखने की कोशिश करें, तो अब मैं आपको सीधे जो है डिटेल्स में सब्जेक्ट को लेकर चलता हूँ। जी हाँ, यहाँ से ये मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए, जो MCQ पूछा जाएगा ना, वो देखिए टीचिंग मेथडोलॉजी वगैरह जो पूछा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे पर आधारित प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। NTT वगैरह में जो आपने पढ़ा है, NIOS, DLED में जो आपने पढ़ा है वो। अब इम्पॉर्टेंट नोट याद रख लीजिए कि एग्जाम जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप लिया जाएगा, सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। बाय द वे, आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। x^0 की वैल्यू क्या होगी नीचे कमेंट करके बताइएगा। दिल्ली के जो गवर्नर हैं उनका नाम आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन, अब देखो DSSSB के फॉर्म को आप भरने जा रहे हो तो DSSSB का फुल फॉर्म को आप बता दो। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा कि कितने लोग, इतने अवेयरनेस इनके अंदर है। हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का जो है कैरी करेगा, वैल्यू जो है वेटेज होगी उसकी 1 मार्क्स की होगी। और
जो करेक्ट आंसर होगा आई मीन इनकरेक्ट आंसर होगा उसके लिए जो है 0.-0.24 जो है आपका मार्क जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि आपका जो है स्कोर नेगेटिव मार्किंग में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अप्लीकेशन वगैरह जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा लैंग्वेज पेपर जो है वो बायलिंगुअल होगा, लैंग्वेज पेपर को छोड़कर सभी पे जो क्वेश्चन होंगे वो बायलिंगुअल में होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लीजिए कि अगर आप जनरल से हो तो टोटल जो है 40% मार्क्स आपको लाना ही लाना होगा। ओबीसी के लिए 35%, यानी कि 200 का 40%, 35%। एसटीएससी या फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 30% आपको लाना ही पड़ेगा, याद रखिएगा इस बात से। एग्जाम पैटर्न के बारे में मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, ये बातें मैंने आपको पहले ही बता दी। वैकेंसी डिटेल ये है। अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सिलेबस में क्या पूछा जाएगा, जो सेक्शन ए है यानी कि जो जनरल पेपर है उसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च जो अभी हाल फिलहाल में हुए हैं, इसके अलावा जो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट हैं जिनके द्वारा अवार्ड दिया जाता है या अवार्ड मिला है उनको, यहाँ से सवाल बनेंगे। अब बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस की, जीके वाले पोर्शन या फिर रीजनिंग वाले पोर्शन को। तो देखिए एनालॉजी से सवाल पूछे जाएंगे, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, जो स्पेस विजुअलाइजेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिटिक है, जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, विजुअल मेमोरी है और डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ से सवाल आपका देखने को बनेगा। ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल फिगर क्लासिफिकेशन और अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, यहाँ से सवाल आपका देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की, मैथमेटिक्स की। तो सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डेटा इंटरप्शन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल बनेगा। आगे देख लीजिए मेंसुरेशन का सवाल बनेगा, टाइम एंड वर्क से सवाल पूछे जाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस से सवाल पूछा जाएगा, टेबल और ग्राफ से सवाल पूछा जाएगा। अब बात करते हैं हिंदी पेपर की, 20 मार्क्स का ये भी रहेगा। हिंदी में आप जो है हिंदी को समझते हो यानी कि पैराग्राफ से सवाल बनेंगे, इसके अलावा वोकैब से सवाल बनेंगे, ग्रामर से सवाल बनेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर से सवाल बनेगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इसका करेक्ट यूज कहाँ करोगे उससे सवाल बनेगा। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो देखिए इंग्लिश को आप समझते हो, वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स से सवाल बनेंगे। आगे देखिए, आगे अगर आप आते हो एनटीटी में, तो देखिए सिलेबस इसका मैंने आपको बता दिया था। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके सेकेंड पोर्शन को, जो आपका कंप्लीटली सब्जेक्ट कंसर्न है, 100 रुपये का एप्लीकेशन फी है सभी लोगों के लिए, तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट टू की, जो एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जो आई हुई है वैकेंसीज के लिए, तो इसके पार्ट टू को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ एक अलग सेपरेट वीडियो में, जिसमें पूरी जानकारी आपको मिल सके। अगर आपको वो पार्ट टू वाली वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके पार्ट टू लिख दीजिएगा, तो हो सके तो आज रात तक मैं इस वीडियो को आपके लिए अपलोड कर दूंगा। वीडियो को यहां तक देख लिया, कोई डाउट आपका रह गया हो, जो कि लाजमी है कि हो सकता है आपका, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, तो नीचे कमेंट करके अपने डाउट को जरूर पूछ लीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको जो है रिप्लाई दूंगा। वीडियो को यहां तक देख लिया तो एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।